आपका सजेशन क्या है, जो लोग इस पर आना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शंस है? देखिए सेगमेंट BMW एक प्रीमियम सेगमेंट है, वो तो है ही, और इस पे आने वाले लोगों को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस चीज के लिए गाड़ी लेनी है। अगर आपको क्लास करना है कि आपको ड्राइव से मतलब नहीं है, हाँ। फीचर बहुत चाहिए, गो फॉर मर्सिडीज, सही बात अगर है। अगर आपको सेफ्टी एक्सेस में चाहिए, गो फॉर वॉल्वो, सही बात है। अगर आपको थोड़ा कम मेंटेनेंस की गाड़ी चाहिए है, बीच ड्राइव ठीक ठाक हो, गो फॉर ऑडी, बिल्कुल। बट अगर आपको सिर्फ ड्राइविंग का शौक है तो BM का कोई मुकाबला नहीं, यानी रियल ड्राइविंग का मजा लेना है और वो भी बिल्कुल बिना टेंशन के। इसको लेने के बाद पता चलेगा आपको कि इसको बीमर क्यों बोला जाता है वेस्टर्न कंट्रीज में, यही कारण है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी ऑटोमोबाइल चैनल AP टेक्निकल गुरु पर, और मैं हूं आपका दोस्त आकाश राणा। और आज के रियल एक्सपीरियंस रिव्यू में हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब, और आपका नाम क्या है सर? डॉक्टर अक्षय पुरोहित, ग्रेटर नोएडा। डॉक्टर अक्षय पुरोहित जी हैं, और एक गाड़ी इनके पास आप देख सकते हैं, लग्जरी सेगमेंट की मोस्ट कम्फर्टेबल और पावरफुल तो है ही, कहने की आवश्यकता नहीं है। तो डॉक्टर साहब, आपने ये गाड़ी कब परचेज की है? 1 सितंबर 2022। यानी और रनिंग अप्रोक्स कितनी होगी लगभग अभी तक? फिलहाल अभी तक ये 3,000 किलोमीटर पे चल चुकी है। तो लेकिन 3,000 चलाने के बाद में जो इसके बारे में, वो सब आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, नॉर्मली बात है। तो ये ऑन रोड अगर बात करें तो कितनी पड़ी थी आपको ये? ये मैंने एक्चुअली मैं इसका पैकेज भी ले लिया था 5 साल का। अच्छा, 5 ईयर का? 5 ईयर का इसका सर्विस, मेंटेनेंस और एक्सटेंडेड वारंटी का। अच्छा। तो ये 63 की पड़ गई थी ऑन रोड। अच्छा, ऑन रोड 63 में है। मॉडल कौन सा है BMW का? ये BMW 330i है, लग्जरी सेगमेंट। हाँ, सबसे लग्जरी सेगमेंट में आती है ये वाली। हाँ, जो बिल्कुल इसमें जो नॉर्मल 3 सीरीज भी आती है। हाँ जी, बट ये थोड़ा सा लंबी सेडान है तो इसलिए इसको लग्जरी सेगमेंट बोलते हैं, इसमें पीछे स्पेस ज्यादा है। हाँ, सेडान सेगमेंट में अगर हम बात करें दोस्तों, तो हालांकि मार्केट में काफ़ी ऑप्शन है, स्लेविया है, लेकिन वो अगर आप मोस्ट कंफर्टेबल में जाते हैं तो ये काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है जो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने परचेज करी है। और इसके एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं थोड़ा, आपको पहले इसका इंटीरियर दिखाते हैं, यानी डिफरेंस क्या आता है। सेडान भी आपको बहुत मिलेंगी मार्केट में, आप किसी रेट में जाएं, लेकिन मेन है कि अगर आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो क्या उतना वहां पर कंफर्ट और पावर फील हो रही है या नहीं हो रही? एक चीज़ बताइए, आपने इस पे 63 लाख रुपये खर्च किए हैं, मेन पॉइंट है, लेकिन मतलब उतना ही कंफर्ट पैसे के हिसाब से महसूस है या नहीं है, ये रियल पॉइंट बताइए, जैसे सब्सक्राइबर ये जान सकें अगर वो सेम इसी प्रोडक्ट को लेते हैं तो उन्हें आपकी मदद मिले कि वास्तव में इतना ही कंफर्ट और पावर भी फील होती है। देखिए इसमें दो बातें हैं जी, कंफर्ट तो हो सकता है और भी आपको सेडान इसी लेवल की सेडान में मिल जाए, बिल्कुल, तो इसमें वैसी वाली बात, कोई बहुत फीचर वाली गाड़ी नहीं है, सही बात है। लेकिन जो इसका ड्राइव का जो प्लेजर है, अगर आप ड्राइव के शौकीन हैं, लॉन्ग ड्राइव करते हैं, फ्रेंड्स के संग जाते हैं, एम्बियंट इसका इतना अच्छा है, ब्रांड अच्छा है BMW, तो जो इसकी जो ड्राइव है दैट इज अनमैचेबल, वेरी स्मूथ, यानी आप कितना ही लॉन्ग ड्राइव पे जाएं आपको बिल्कुल भी टायर्ड नहीं होंगे। और जो आपकी जो स्पीड है, जो उसका स्पोर्ट्स मोड है, उसका जो पिकअप है, दैट इज मार्वेलस, उसका कोई मुकाबला नहीं है, ये मेन पॉइंट है इसमें बहुत ज्यादा। तो ड्राइविंग प्लेजर अगर आपको चाहिए देन गो फॉर दिस सेगमेंट, अदरवाइज कम्फर्ट तो खैर बराबर है, एक से बढ़कर है, वो तो सही बात है। अच्छा, इससे पहले बात करें, आपने और भी से कंपेयर में कुछ गाड़ियां देखी थी? मैंने मर्सिडीज, ऑडी, स्कोडा, वॉल्वो सब देखी थी। कंफर्ट में सब ठीक ही है, बराबर ही थी, कोई बहुत डिफरेंस नहीं बोलूंगा, लेकिन जो ड्राइविंग प्लेजर था, जो एक बार इसको चला लिया मैंने, फिर कुछ नहीं मजा, मैंने कंफर्ट एक अलग महसूस हुआ इसमें, मैन पॉइंट ड्राइव का कंफर्ट जबरदस्त है, बाकी तो सेडान गाड़ियों में होता ही होता है, सब मोर और लेस सेम। जी सही बात है। अब इसमें एक चीज का आप फील कीजिए जो हमें फील हो रहा है, मैन पॉइंट इसलिए हमने ड्राइव किया यहाँ पे, कि बिल्कुल साइलेंस है, आपको फील ही नहीं होगा कि आप चल रहे हैं, कुछ ऐसा महसूस होगा जैसे आप इलेक्ट्रिक गाड़ी में जाते हैं ना। हाँ, जैसे हमने नेक्स्ट, एक्चुअली में पेट्रोल भी है, पेट्रोल भी है मेन कारण थे। हाँ, पेट्रोल थोड़ा सा कम साउंड करती है, लेकिन रिफाइन बहुत है, बहुत गजब है रिफाइन तो वास्तव में। और ये अभी कम्फर्ट मोड पे है, अगर आप इसे स्पोर्ट्स पे डालेंगे तो अभी तक तो आगरा पहुंच जाएंगे। तो आपने इसे कहीं हिल एरिया में भी ड्राइव किया है क्या? मौका लगा है? जिम कॉर्बेट गया था, हालांकि बहुत हिली नहीं था। हाँ सही बात, ठीक है, अच्छा था वहाँ पे। और एक बार नैनीताल भी लेके गया हूँ, उसमें अच्छा। भी बहुत हिली एरिया में तो नहीं गया। हाँ, बट पूरी टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब नॉर्मली फील होगा, जैसे अब चल रहे हैं इसमें थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होगा, थोड़ा तो आता है खैर जो है, लेकिन वैसे अब बिल्कुल रोड खराब है तो वो तो अब सेडान की, वो तो सब सही बात है, तो सेडान की प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत स्मूथ, आप इसका बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। इंजन का तो नाम नहीं है शोर, जैसे जैसे जा रहे हैं ना, इंजन लेस गाड़ी में जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ी में जा रहे हैं, वही फील बिल्कुल, है बिल्कुल। तो
तो कंटिन्यू जैसे डॉक्टर साहब आपने इसे कंटिन्यू लगभग कितने किलोमीटर कभी चलाया, इसका फील किया हो जैसे एक साथ चलाते हैं कोई 500-700 किलोमीटर चलाना पड़ गया? लगभग 350-400 किलोमीटर एक संग जिम कॉर्बेट के रास्ते में चलाया था। अच्छा, और बीच में सिर्फ एक चाय पीने को रुके थे, कंटिन्यूस ड्राइव थी, यानी यहीं से नोएडा से गए थे बिल्कुल विदाउट एनी ब्रेक, कंटिन्यू कोई एग्जर्शन नहीं, पता भी नहीं चला रास्ता कैसे था। तो मोस्ट कम्फर्टेबल है, कुल मिला के ये कह सकते हैं पैसे वसूल तो है बहुत ज्यादा, ये सबसे अच्छी बात है। तो आपका सजेशन क्या है, जो लोग इस पर आना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शंस है? देखिए सेगमेंट BMW एक प्रीमियम सेगमेंट है, वो तो है ही, और इस पे आने वाले लोगों को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस चीज के लिए गाड़ी लेनी है। अगर आपको क्लास करना है कि आपको ड्राइव से मतलब नहीं है, हाँ। फीचर बहुत चाहिए, गो फॉर मर्सिडीज, सही बात। अगर है, आपको सेफ्टी एक्सेस में चाहिए, गो फॉर वॉल्वो, सही बात है। अगर आपको थोड़ा कम मेंटेनेंस की गाड़ी चाहिए है, बीच ड्राइव ठीक ठाक हो, गो फॉर ऑडी बिल्कुल। बट अगर आपको सिर्फ ड्राइविंग का शौक है तो BM का कोई मुकाबला, यानी रियल ड्राइविंग का मजा लेना है और वो भी बिल्कुल बिना टेंशन के। इसको लेने के बाद पता चलेगा आपको कि इसको बीमर क्यों बोला जाता है वेस्टर्न कंट्रीज में, यही कारण है फील हो रहा है इसमें, स्पेशल फील होता है। जैसे आपने कंपेयर में अदर गाड़ियां देखी, आपने बताया स्कोडा की देखी, सुपरैब देखी, हमारी आपकी एक बार बात हुई थी ना सुपरैब में लेने के मूड में, उस समय आपका मूड सुपरैब था शायद, जो है वो एक्चुअली में सुपरैब लेने का तो अभी भी था क्योंकि सुपरैब की जो स्पेस है वो तो बहुत ज्यादा है, सही बात है। लेकिन जो फिर ड्राइव करा, एक बार इसको चला लिया फिर ले ही नहीं पाया कोई। कुल मिला के ये है आपका सबसे बढ़िया काम ये करा। देखिए फ्रेंड्स, डॉक्टर साहब ने एक बहुत बढ़िया बात बताई, यहाँ पे आप भी फील कीजिए, आप किसी भी ब्रांड की गाड़ी ले रहे हैं चाहे वो लग्जरी में है नॉर्मल है, पहले उसे एक बार ड्राइव जरूर करिए, खुद फील कीजिए तभी पता पड़ता है, बिल्कुल ये बहुत अच्छा पॉइंट। और फिर आपको अगर 50-60 लाख के ऊपर की गाड़ी पे आप जा रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट तब आप डिसीजन ले पाओगे, नहीं तो सारी गाड़ियां एक सी लगेंगी आपको। बिल्कुल उस रेंज में तो सभी एक सी हैं, सब एक सी लगेंगे, लुक और फीचर पे जाएंगे वो तो गजब आ जाते हैं। आपको जो कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा इसका, जो फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि इस सेगमेंट में कोई, इसकी एक कमी थी नॉर्मल 3 सीरीज की कि इसके पीछे स्पेस कम थी। अच्छा, वो भी उन्होंने लग्जरी लाइन निकाल के खत्म कर दिया पीछे। अच्छा, ये लग्जरी लाइन वाला था मॉडल है, ये लग्जरी लाइन मॉडल है, पीछे बहुत स्पेस है इसमें। अच्छा, बूट में स्पेस बढ़ा दिया, बूट में और पीछे लेग रूम जो है। अच्छा, लेग रूम बहुत अप कर रहा है, हां ये प्रॉब्लम थी, ये सही बात है। अभी आपको अगर चाहे तो स्पोर्ट्स मोड में पिकअप दिखा सकता हूं मैं, लेकिन पता नहीं फील होगा करूं। हां अब देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा स्पोर्ट्स मोड में, हालांकि ये जगह ज्यादा नहीं है लेकिन इतना ही बहुत है, क्योंकि ज्यादा स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं है हमारे मेन चीज है कि अपने पास थोड़ा, या तो हाईवे पे हो हम जो है उस समय फील किया जा सकता है, वो फील करा वो भागी जो गाड़ी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है लगाती जैसे जो है आप कहे ना एकदम लात मार दी और भाग पड़ी, जो वो वाली हाल है वो फील। अगर आप एक बार फिर उसको मैं फील कराऊंगा, देखिए एक सेकंड में ही कितना जबरदस्त पिकअप है, ये बात तो है। ये रोड नहीं है, नहीं तो आपको मैं और इसका वो लेजर दिखा देता। चलो सर, आपका धन्यवाद करते हैं अपना ओपिनियन देने के लिए, ताकि सभी सब्सक्राइबर जो भी अगर इस गाड़ी का प्लान कर रहे हैं उन्हें बिल्कुल रियल मिल पाए कि करना क्या चाहिए अगर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। बिल्कुल सर, और आपका चैनल पे आने के लिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मोस्ट वेलकम। डॉक्टर साहब, आपका ओपिनियन देने के लिए तो धन्यवाद। थोड़ी सी जानकारी और करते हैं, आपने बताया कि आप नोएडा में चिकित्सक हैं, तो आपकी क्लिनिक कहाँ पर है, उस पर किस तरह की जो है जो हमारे अगर सब्सक्राइबर चाहे उन्हें क्या हेल्प मिल सकती है? सर हमारी क्लिनिक ग्रेटर नोएडा में है, जी पास में ही है। चलिए चलते हैं तो देख लेते हैं एक बार। ये हमारी क्लिनिक है ग्रेटर नोएडा में और यहाँ पे सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। विशेष रूप से किस चीज की अगर बात करें? विशेष रूप से आप डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड, सारी सुविधाएं, ECG भी होता है, डे केयर फैसिलिटी भी है, फाइब्रोस्कैन भी है, सारी कुछ सुविधाएं हैं हमारे। तो यह है डॉक्टर साहब का चैम्बर, और थोड़ी जानकारी दे दीजिए जिससे सभी का फायदा हो, खासतौर से किन जैसे स्पेशलिस्ट होते हैं चिकित्सक हमारे भारत में, तो आप किस चीज की विशेष? मैं प्राइमरी फिजिशियन हूँ जी, एमडी मेडिसिन हूँ जी, गवर्नमेंटिस्ट हूँ, मेरठ से पास आउट हूँ। मैं हार्ट स्पेशल इंटरेस्ट रखता हूँ जी, इसलिए हार्ट की सारी फैसिलिटीज में मैंने यहाँ तक रखी। बाकी थायराइड, BP, शुगर, सांस के रोगी सब आते हैं यहाँ पे, लिवर के स्पेशली बहुत पेशेंट हैं यहाँ पर, और सारी चीज़ें कवर हैं। मैंने यहाँ पे सारी सुविधाएं देने की कोशिश करी है जिसमें डे केयर फैसिलिटीज, लैब इन्वेस्टिगेशन। टाइमिंग क्या है सर आपका क्लिनिक का यहाँ का? सुबह 10 से 2:30 और शाम को 6 से 9। अच्छा, ऑफ तो नहीं है किसी दिन? नहीं, क्लिनिक तो पूरे दिन खुला रहता है, मेरी टाइमिंग नहीं है, बाकी क्लिनिक तो सुबह 9 से रात को 9, और भी डॉक्टर्स आते रहते हैं। तो और चैनल पर आने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं, और नेक्स्ट